हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में सारे अपडेट आपको हम देने वाले हैं। क्या है नया अपडेट, क्या है एडमिशन का शेड्यूल, एडमिशन की डेट्स कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे नीचे जो ये एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, इस पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर का नोटिस आपको दबाना है। इस नोटिस को दबाने के बाद अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करोगे तो अच्छे से पढ़ना और इसको जूम कर लेना। जो ही आप जूम करोगे, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पहला दिमाग में आपको रख लो। काउंसलिंग जो होगा बीबीएयू के बच्चों के लिए, तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा पीजी प्रोग्राम के लिए, 24 से 25 वाला सेशन, मतलब करंट सेशन। द रिजल्ट ऑफ पीजी प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी वेयर एडवाइज टू रजिस्टर ऑन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल थ्रू नोटिफिकेशन नंबर, जो मतलब इसका नोटिस जो आया था वो सब है। ये सब आपके काम का नहीं है। उनको, जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन इसमें किया होगा, हमने पहले से भी अपडेट दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर दबा दीजिएगा। बीबीएयू का अलग से हमने प्लेलिस्ट दे दिया है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो इसका अलग से प्लेलिस्ट है। इसका पूरा प्रोसेस समझ लो। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली बीबीएयू इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि हमने बताया था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने पढ़ा है, मैंने उसको बताया है अपने चैनल पे। डिपार्टमेंट विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड जनरेट द चालान। देखो, डिपार्टमेंट अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी करेगी और वो चालान भी जनरेट करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी ऑफ सीट्स, द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। मान लो पहले ही राउंड में सीट फुल हो गया, जो कि होता नहीं है, तो अगले राउंड में नहीं आएगा, जितना खाली रहेगा उसी का काउंसलिंग का सीट आता जाएगा नेक्स्ट राउंड में। इट इज एंटीसिपेटेड दैट द सेवरल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड, यह अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे राउंड होंगे काउंसलिंग के। देयरफॉर द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग बीबीएयू वेबसाइट, ये भी कह रहे हैं कि बीबीएयू वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करते रहो। देयर एनटीए पोर्टल टू एंड एनटीए पोर्टल टू नो द स्टेटस ऑफ जनरेशन ऑफ चालान एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ फी। आपके फी का सारा अपडेट आपके चालान पे, आपका जो भी होगा वो देखो। एनटीए का जो आपका रजिस्ट्रेशन लॉग इन है उस पर भी चेक करते रहो, बीबीएयू का ये जो आईडी है, ये जो वेबसाइट है, इस पर भी चेक करते रहो। समझ में आ रहा है आपको। कुल मिला के आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है और उसको कहाँ चेक करना है, जहाँ चेक कर रहे हैं वहीं चेक करना है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब एनटीए वाले पे भी, ईमेल को भी, मोबाइल नंबर को भी, ये सबको आपको जानकारी रखना है। द एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग बाई ए स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं डिटेल्ड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पीजी प्रोग्राम। क्या है प्रोग्राम का फेज वन, अगर हम देखें 1/7 से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 1 जुलाई से। आपका जो भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट होगा वेरिफिकेशन, वो 4 जुलाई तक हो जाएगा। आपका चालान आ जाएगा 5 तारीख तक और लास्ट डेट जो है 6 जुलाई तक आपको पेमेंट कर देना है, यानी जो कोर्स में आप सेलेक्ट हो जाओगे उसका पेमेंट कर देना है 6 जुलाई तक। क्लियर है आपको? सारे अपडेट आपको समझते चल रहे हैं। फिर फेज टू शुरू होगा 8 तारीख। हाँ, एक चीज और है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है, थोड़ा एक दो दिन इधर उधर हो सकता है, मे बी, ठीक है। फेज टू में अगर आप आओगे तो यही फिर रिपीट किया जाएगा 8 से लेकर के 14 तारीख तक। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये 15 जुलाई तक हो जाएगा और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का क्लास जो है 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गए आपको सारे डेट्स पता चल गए। अगर आपको मान लो कोई भी कंप्लेन है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो फॉर एनी क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट मे कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ग्रीवेंस कमिटी मेंबर्स। उनका नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये लेटर सबको भेजा गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को, फैमिली को, रिश्तेदारों को ये शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।